नमस्ते देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे सूजी और मटर का एकदम टेस्टी और नया नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मटर लिया है और मटर को सेक लिया है, और ये लिया है एक कटोरी सूजी। सूजी कोई भी चलेगी, मोटी हो या बारीक हो। सूजी को एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। सूजी में थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादानुसार, बड़े 3 चम्मच दही डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। सूजी का बैटर गाढ़ा लगे तो इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। अभी बैटर को ढककर फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाते हैं। अभी मटर को एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। ये मटर में 2-3 हरी मिर्च डालेंगे, एक अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा, हरा धनिया। अब इसको बहुत महीन नहीं पीसेंगे, इसको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए मटर को पीसने के बाद ऐसा पेस्ट हुआ है, इसको मैंने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। सूजी को रखते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। अभी पीसे हुए मटर इसमें डाल देते हैं। बैटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद की वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। बैटर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं, 2 चम्मच। अभी बैटर बनाने के लिए तैयार है। ये मैंने एक छलनी लिया है और छलनी को तेल लगा लेते हैं। एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसके अंदर रिंग रखी है और रिंग के ऊपर ये छलनी रखेंगे, और पानी गर्म करके ही छलनी रखनी है। अब छलनी के ऊपर ये बैटर डालेंगे। बैटर को ऐसा गोल शेप देना है। कवर करके 10 मिनट स्टीम कर लेते हैं। चलिए अभी स्टीम करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। गैस पर कढ़ाई रखिए गरम होने के लिए, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद डालेंगे आधा चम्मच राई, कड़ी पत्ता, चम्मच तिल, 1 पिंच हींग। अभी नाश्ता इसमें डालेंगे। नाश्ते को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे।